हाय फ्रेंड्स वेलकम टू योर ओन चैनल साथ। आज इस एपिसोड में मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे एक स्टॉक के बारे में क्वेश्चन किया एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड ऑन दिस आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपको जो भी क्वेरीज मेरी स्टॉक्स के बारे में होती है जो मैंने वीडियोज़ बनाए हैं उसमें आई इंकरेज यू टू गो एंड आस क्वेश्चन टू आई मेक श्योर दैट आई आंसर योर क्वेरीज एंड मैं वहीं पर देन एंड देयर आंसर कर देता हूँ या मे बी आफ्टर अ लैग ऑफ़ टू थ्री डेज यू विल गेट योर सो प्लीज लाइक द वीडियोस एंड एज वेल एज कमेंट भी करें तो एक ऐसे ही कमेंट के बारे में मैं बात करूंगा आज वो ये है कि एफल के स्टॉक के बारे में बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा कि वाई द स्टॉक हैज़ करेक्टेड सो मच मैंने जब वीडियो बनाया था तब ये रफली 5200 5400 के आसपास हुआ करता था नाउ इट इज ट्रेडिंग ट्रेलिंग एट 4200 टू हंड्रेड अप्रोक्सीमेटली अ डिस्काउंट ऑफ रफली मोर देन फिफ्टीन परसेंट वाई इज दिस दिस क्वेश्चन इज वेरी जेन्यन एंड इवन दिस क्वेश्चन अकॉर्ड टू मी मैंने इस कंपनी को एनालाइज किया तो आई हैव फाउंड वेरी गुड मेरिट्स इन इट इन दिस कंपनी एंड दैट्स वाई आई इन्वेस्टेड सर्टन पोर्शन ऑफ माई पोर्टफोलियो इन टू इट इट इज़ वन ऑफ माई कोर पोर्टफोलियो मार्केट में बहुत सारे रूमर्स हैं नंबर वन की प्रोमोटर इज सेलिंग नंबर टू देर इज़ न्यू एंड ट्रेंड इन द मार्केट एंड हु इज ग्लोबल लीडर द ट्रेड डेस्क नंबर थ्री देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन वेयर एफल इज़ फाइटिंग विथ फोन पे दे आर वेरी डीप पॉकेटेड दे माइट लूज ऑल दीज थ्री क्वेश्चन आर डैंगलिंग ओवर द हेड ऑफ एफल एंड दैट्स वाई द स्टॉक इज डाउन सो आई एम हेयर नाउ टू सिम्प्लीफाई मैं आपको ये तीनों फैक्टर्स को एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल लेट यू नो कि मेन फैक्टर क्या है जिसके कारण ये स्टॉक इतना गिरा हुआ है एंड आई थिंक द स्टोरी इज़ टर्निंग अराउंड वो आपको लास्ट में पता चलेगा वॉट हैज़ एक्चुअली चेंज ओवर ट्वेंटी फोर प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड अपने कमेंट जरूर करें इस वीडियो को जरूर शेयर करें उस आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें उससे मुझे पता चलता है कि मुझे ये वीडियो कैसा बना है सो दैट इज काइंड ऑफ फीडबैक लूप फॉर मी सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोज कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन वाई एफल स्टॉक हैज़ गॉन डाउन इस एफल की स्टोरी को थोड़ा सा पीछे खींचता हूँ बिकॉज सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम लाइज इन प्रॉब्लम इट सेल्फ समाइम तो अभी जो प्रॉब्लम स्टॉक के ऊपर साथ है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑन ऑन क्रोनोलॉजिकल मैनर इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से समझते हैं So let me take you to quarter one FY21. Apple India Limited was interested in buying Indus OS. So somewhere in May 2020,

एन एप स्टोर कॉल्ड इंडस एप बाजार इस बाजार में मोर देन फोर लैख एप्स एसेसिबल हैं इन इंग्लिश एंड ट्वेल्व इंडियन लैंग्वेजेस सच हिंदी गुजराती मराठी तमिल तेलगू उर्दू उड़िया पंजाबी वगैरह सो जो एफल की स्ट्रैटेजी है वर्नैकुलर ग्रोथ यानी कि सारे लैंग्वेजेस में अपने एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी को यूज करना उसमें ये दिस वॉज अट्रेटिक फिट सो द आइडिया वॉज दैट वंस दिज ऐप्स गेट्स डाउनलोडेड फोन on, uh, on जो की वर्कुलर में ऑपरेट हो रहा है उन सारे यूजर की डेटा बेस एफल टू आफ्टर दिसके साथ ही नॉट जस्ट एफल बट एफल के जो पेरेंट है सिंगापुर बेस्ड एंटिटी एजीपीएल उसने भी साइमल्टेनियली फिफ्टीन परसेंट स्टेक खरीदा था इस कंपनी में सो फिफ्टीन प्लस एट ट्वेंटी थ्री परसेंट का एफल प्लस एफल

ऑलमोस्ट एट नो प्रॉफिट नो लॉस आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ टैक्स एडवांटेज बिकॉज इफ कंसिडरेशन ज्यादा दिखाते तो उन्हें उस पर टैक्स देना पड़ता बट दिस इज नॉट द कम्प्लीट स्टोरी सेल के साथ एक ऑप्शन भी उन्होंने खरीदा कि दे विल बाय दिस माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट बैक फ्रॉम ए जी पी एल एट अ प्रीमियम ऑफ फाइव परसेंट आफ्टर वन ईयर और टेन परसेंट आफ्टर टू ईयर्स तो अपने पेरेंट्स से इन्होंने एक साइड डील कर ली अबाउट स्टेक इन ओ एस लैब लिमिटेड दैट राइट नाउ यू कैन टेक माय शेयर्स बैक बट यू हैव टू गिव गिव मी दिस शेयर्स बैक आफ्टर आफ्टर ईयर ईयर और सो ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो जाता है अब इस चीज को अगर एक अकाउंटेंट देखता है इन दो इवेंट्स को तो वो इसे कैसे ट्रीट करेगा तो लेट मी ब्रिंग टू यू दैट अकाउंटेंट के एंड में मार्च थर्टी को जो अकाउंट्स प्रिपेयर हुए वहां पे अकाउंटेंट राइट दैट दिस न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि पोस्ट सेल एंड दिस जो बायबैक वाला जो अरेंजमेंट है उसकी वैल्यू जो है एज पर अकाउंटेंट रूल रफली सेवन पॉइंट टू मिलियन के करीब यानी कि फिफ्टी थ्री करोड़ का उसका वर्थ माना गया सो so, जहाँ उन्होंने ट्वेंटी वन करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था वो फिफ्टी थ्री करोड़ का अभी उसकी वैल्यू हो गई है सो द गेन अराइजिंग आउट ऑफ दिस वैल्युएशन डिफरेंस जो 21 से 52 का है दैट डिफरेंस इज रफली 32 टू करोड वो रिकॉग्नाइज़ होता है इन अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज अदर इनकम तो मैं अभी आपके सामने इस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखलाता हूँ कि ये कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर्स जो है वन फोर्टी वन करोड़ है और उसके नीचे जो अदर इनकम है दैट इज थर्टी सिक्स करोड़ उसमें से थर्टी टू करोड़ जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस सेल एंड अरेंजमेंट सो दिस अदर इनकम इज अ नॉन कैश आइट क्यों आ रहा है क्योंकि एज पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द दस कहता है कि आपको पेरेंट हैज गिवन दिस बाई बैक राइट टू यू इस ऑप्शन की एक वैल्यू है और उसकी वैल्यू उन्होंने थर्टी टू करोड़ रखी है फॉर एफ वाई ट्वेंटी वन सो थर्टी टू करोड़ का अदर इनकम एड हो जाता है इन टोटल इनकम में इन ऑपरेटिंग इनकम में नेट नेट 36 करोड़ ऐड हो जाता है तो टोटल रेवेन्यू जो है 177 करोड़ का इस साल किया और इसका इम्पैक्ट हम प्रॉफिट पे देखते हैं प्रॉफिट जो है इस साल की 58 करोड़ रही है उसमें से ये जो 36 करोड़ है दैट इज नेट अदर इनकम विच इज मोर देन 60 परसेंट so, सो आप सोच सकते हैं कि अगर एक कंपनी ऑपरेटिंग कंपनी है उसकी प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट उसके इन्वेस्टमेंट या अदर इनकम से आ रहा है देन दैट इज नॉट अ ग्रेट साइन दैट इज अ रीजन जिसके कारण बहुत सारे जो की अकाउंटिंग लेंस से किसी कंपनी को देखते हैं दे विल रेज अबाउट दिस ड्यूरिंग और जहां पे भी उन्हें मैनेजमेंट से इंटरेक्शन करने का मौका मिला तो मैं आपके सामने एफल का स्टॉक प्राइस मैंने दिखाया हुआ है आप देख सकते हैं कि द एफल स्टॉक वॉज ट्रेडिंग अराउंडी टू हंड्रेड टिल सेवनटींथ जून और एक ऑन एटीन जून इट क्रैक टू फोर्टी सिक्स हंड्रेड रफली छह सौ रुपये की प्राइस ड्रॉप हुई ट्वेल्व परसेंट का करेक्शन इसमें हुआ और अगेन दिस प्राइस इनमिट किया टू बी एस सी एंड एन एस सी फर्स्ट में कॉन कॉल ऑन थर्टी मई इटसेल्फ और बट उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो 17th जून को सबमिट की और उस ट्रांसक्रिप्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रेज हुए थे वर नॉट कंफर्टिंग क्वेश्चंस

मैटर इज सब्जुडाइज आई विल टेल यू द बैकग्राउंड की ये अभी लीगल कोर्ट में एक मैटर पड़ा हुआ है उसके कारण दे के नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग दे कैनॉट एक्सप्लेन इट आउट इन कॉन्फ्रेंस कॉल और ऐसे भी ये मैटर जो है इनके पेरेंट लेवल पर था तो दे कु नॉट प्रॉपरली डिफेंडेड आई विल जस्ट एक्सप्लेन द मैटर टू यू उसके लीगल है क्लियर हो गए हैं तो एज वी स्पीक मैटर इज नॉट सब्जुडी जून को नहीं मिली उसके बट आई गॉट इट क्लैरिफाइड आफ्टर आईट स्पोकन टू वन ऑफ माई चार्ट अकाउंटेंट फ्रेंड्स थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च किया एंड आई गॉट टू नो द रियल ट्रूथ बिहाइंड इट इसके कारण जून के बाद यू कैन सी की प्राइसेस और वॉल्यूम में भी आप जम्प देख सकते हैं वन लाख वॉल्यूम के दो ट्रेड हुए हैं ऑन एटीन एंड ट्वेंटी फर्स्ट जून आई थिंक बीच में वीकेंड था तो कुछ ट्रेड नहीं हुआ था बड़े बड़े वॉल्यूम ट्रेड होने के कारण दिस स्टॉक हैज क्रैश बट द रीजन आई जस्ट टोल्ड यू इज बिकॉज ऑफ एनालिस्ट रेज अ क्वेश्चन विच वॉज रिलेटेड टू प्जिशन जो कंपनी ने की थी बाय बैक अरेंजमेंट है उसके कारण जो क्लैरिटी कंपनी नहीं दे पाई अब कंपनी क्लैरिटी क्यों नहीं दे पाई नाउ द क्लैरिटी हैज कम ऑन जून है लेट मी फर्स्ट थैंक ब्लूमबर्ग क्विंट फॉर क्लैरिफाइंग बिकॉज मार्केट में बहुत सारे न्यूज थे वन वियर फोन पे इज एल्स एंड एफल ग्लोबल इज सेइंग समथिंग एल्स तो ब्लूमबर्ग क्विंट हैज समराइज एवरीथिंग आर्टिकल दे हैव वेटेड द डॉक्यूमेंट बेसिस विच एफल वॉज क्लेमिंग समथिंग आपको मैं अभी बताता हूँ पहले बात करते हैं फोन पे वाला इवेंट क्या हुआ था सो बेसिकलीर आर थ्री पार्टी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज दैट इंडस इज अनेंट इंडसओस का क्लेम यह है कि दे है जो प्राइम इन्वेस्टर हैं रिसेंटलीस लैब को फोन पे ने अक्वाने की कोशिश की अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग की बात करूं तो एफएल ग्लोबल का स्टेक जो है पोस्ट द ट्रांजैक्शन जो हमने अभी बात की वो ट्वेंटी थ्री परसेंट हो गई है एंड दे वांटेड टू अवॉइड दिस एक्विजिशन इसका रीजन ये है कि फोन पे ने जो ओएस लैब की वैल्यू की वो सिक्सटी मिलियन यूएस डॉलर की जबकि एफल ग्लोबल का मानना है कि इसका वर्थ जो है मोर देन नाइन्टी मिलियन है सो रफली थर्टी का वैल्यूएशन कम मिल रहा है ओएस लैब को थ्रू दिस फोन पे एक्विजिशन सो

फर्स्ट हैव टू अप्रोच एफल ग्लोबल एंड अदर इन्वेस्टर पहले वो उन्हें ऑफर करेंगे फोन पे like right, uh, so, uh, जो एक्विजीशन करने के लिए ट्राई कर रहा था दैट वॉज नॉट लीगल सो सिंगापुर हाईकोर्ट में उन्होंने इस चीज को लेकर केस के किया एंड दर्डिक्टज आउट सो सिंगापुर हाईकोर्ट ने ओएस लैब के इस रिजोल्यूशन को कैंसल आउट कर दिया और डिसअप्रूव किया कि फोन पे कैनॉट एक्वायर इंडस दस ओएस सो ब्लूमबर्ग क्विंट हैज रिव्यूड अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर और उसके बेसिस पे मैं ये बात कह रहा हूँ सो so, फिलहाल काफी हद तक क्लैरिटी आ गई है कि ये डील दिस एक्विजिशन इज निगेटेड फॉर नाउ और एफल का क्लेम इज स्टेइंग विथ डेम ने एफल ग्लोबल के साथ जो बायोलैटरल डील की है बाय बैक दिस शेयर आफ्टर सर्टन टाइम दैट रिमेन्स अभी हमने ट्रांजेक्शन की बात की थी दैट इज वेरी मच अ लाइफ तो ये ये इस ट्रांजेक्शन के ऊपर जो ओवरहैंग था जुडिशियल मैटर्स का जो कोर्ट बैटल चल रहे थे ओवर सिंगापुर ओवर इंडिया ऑल्सो मैटर यहीं पे क्लोज हो जाएगा एंड एफल ग्लोबल विल रिटेन द फर्स्ट रिटेन द राइट बट स्टिल ड्रामा इज नॉट ओवर नाउ तो नेक्स्ट एपिसोड जो प्ले आउट होगा वो जुलाई फिफ्टींथ को होगा व्हेन ओएस लैब्स के शेयर होल्डर विल मीट इंक्लूडिंग एफल ग्लोबल एंड फोन पे एंड वेंचरिस्ट विच इज अ थर्ड मेजर इन्वेस्टर सो ऑल थ्री पार्टीज विल डिसाइड अबाउट द फेट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन सो द ओवर एंग है सिंगापुर जैसे कोर्ट में एफल फेवरिंग जुडिशियल ऑर्डर आ जाने के बाद बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं बचा है एंड दिस ड्रैग वुड बी सून ओवर ओवर प्राइस नाउ मैंने शुरुआत में बात की थी कि अभी कुछ रिसेंटली न्यूज आई है दैट द ट्रेड डेस्क विच इज द ग्लोबल मेजर इन एटेक टेक्नोलॉजी बट दिस इज बेसिकली वेलिडेशन ऑफ द आइडिया ऑनिस्टली इंडिया मार्केट ग्रो कर रहा है सो so इसमें बड़े प्लेयर आ रहे हैं आई डोंट थिंक दैट दे दे विल ईट आउट मार्केट शेयर फ्रॉम एफल टू दैट एक्सटेंट बिकॉज एफल की वैल्यू पर अलग है दे वर्क ऑन कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज द मॉडल जो कि यूनिक है एंड दे हैव अ फर्स्ट हैंड डेटा बेस ऑफ इंडियन मार्केट एंड ऑल ऑल दो सिर्फ इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं है सो so इंडिया पर जो डिपेंडेंस है वो अराउंड फिफ्टी परसेंट ही है तो इंडिया मार्केट में नए प्लेयर आता है आते हैं तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग ट्रबल की इतना स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट होगा सो मेन रीजन जो था मैंने बता दिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा सो विद मी अमिताभ साइनिंग ऑफ थैंक यू दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन प्लीज डू योर ओन होमवर्क एंड रिसर्च बिफोर बाइंग और सेलिंग द स्टॉक मेंशन इन द एपिसोड